तो गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने झारखंड में चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीधी चुनौती दी। कहा कि राहुल गांधी अपने 55 साल के शासन और हमारे 5 साल के शासन का हिसाब लेकर मैदान में आए। मित्रों, 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चक्रधरपुर वाले जिले के अंदर ढेर सारे काम किए। मैं आज श्री राहुल गांधी यहां पर है, उनको चैलेंज देने आया हो कि राहुल बाबा, आपके 55 साल का शासन, हमारे 5 साल का शासन, हिसाब लेकर मैदान में आ जाओ। हमने 5 साल के अंदर एक प्रकार से विकास की गंगा को आदिवासी के घर में, पिछड़े समाज के, दलित समाज के घर में पहुंचाने का काम किया। इतने सालों तक भगवान बिरसा मुंडा का स्मारक बनाने की किसी को सूद नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने उनके जन्म के स्थल पर और उनकी कर्मस्थली पर उनके सम्मान में स्मारक बनाकर भगवान बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की ना चाहता हूं। मित्रों, अभी अभी गिलवा जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दीजिए। मैं आप सभी को यह कहने आया हूं कि झारखंड ने कई सरकारें देखी है, कई पार्टी की सरकारें देखी है, मगर किसी ने विकास के लिए काम करने वाली सरकार नहीं दे पाया, क्योंकि सभी सरकारें पूर्ण बहुमत की नहीं थी। और दूसरी ओर कौन है? कांग्रेस और हेमंत सोरेन जी। मैं श्री हेमंत सोरेन जी को पूछना चाहता हूं कि भैया हेमंत जी, जब गुरुजी आंदोलन कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही थी झारखंड राज्य की रचना का, तब झारखंड के युवाओं पर गोलियां चलाई जाती थी, डंडे बरसाए जाते थे, वो कौन पार्टी करती थी? यही कांग्रेस पार्टी उस वक्त झारखंड की रचना का विरोध करती थी। मित्रों, आज मैं आपको कहने आया हूं कि जिस झारखंड की रचना का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी के साथ सत्ता की लालच के कारण आज हेमंत सोरेन कांग्रेस पार्टी की गोदी में बैठकर मुख्यमंत्री बनने निकले हैं।